मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें लगभग लगभग भारत में यदि देखा जाए तो करीब 2 से 5% लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, और वास्तव में यदि देखा जाए तो इसको कोई एक रोग नहीं माना जाता है। लेकिन जब भी कोई एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है और वह रूटीन टेस्ट कराता है, तो जब लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है बेसिकली, तो वहाँ पे बिलीरुबिन कुछ बढ़ा हुआ आता है। तो बिलीरुबिन बढ़ने का मतलब है जॉन्डिस। उसका सीधा सीधा जो अर्थ होता है वो जॉन्डिस या पीलिया से संबंधित हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं कि जिनमें ये जो बिलीरुबिन का स्तर है ये नॉर्मल स्तर से थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, अदरवाइज़ और उनको कोई समस्याएँ यूजुअली नहीं होती हैं। तो अनेक पेशेंट ऐसे होते हैं, तो इस प्रकार से यदि किसी मरीज को निरंतर रूप से बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आ रहा है, सामान्य जो बिलीरुबिन का स्तर है दैट इज़ वो 1.3 या बहुत सी जगह पे 1.5 mg पर डेसीलीटर तक की उसकी जो है वो होती है मात्रा, सामान्य मात्रा, और यदि वो उसके बाहर की है जैसे 1.7 है, 2 है, 2.5 या किसी किसी लोगों में 3 तक भी ये मिलता है, लेकिन उसको और कोई बाकी समस्याएं नहीं होती हैं, रूटीन टेस्ट में ऐसा यूजुअली पता लगता है। कभी कभी देखने से उसकी त्वचा का रंग कुछ पीलापन पे या आँखों में जो वाइट है उसमें थोड़ा सा पीलापन नज़र आ जाता है, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो जो भी होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। तो ये कंडीशन है गिल्बर्ट सिंड्रोम, और गिल्बर्ट सिंड्रोम यूजुअली इंडियंस में जब एक सर्वे के अनुसार 2 से 5% लोगों में करीब करीब ये सिंड्रोम पाया जाता है। इसकी दो होती हैं, गिल्बर्ट सिंड्रोम 1 और गिल्बर्ट सिंड्रोम 2। तो सामान्य भाषा में यदि मैं ये कहूँ कि यदि किसी रोगी में निरंतर बिलीरुबिन का स्तर एक फिक्स्ड लेवल पे, मतलब के कुछ में 1.7 या 1.8 या 2.5 तक पाया जाता है, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, और कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जैसे कि जब कोई पर्सन भूखा रहता है या स्ट्रेस में रहता है या जो है उसको कोई डिजीज़ जैसे फीवर या ऐसे कुछ समस्याएं होती हैं, तो उस कंडीशन में वो बिलीरुबिन फिर से थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल ही जाता है। तो मूल रूप में यदि देखा जाए तो इसको कोई एक डिजीज़ नहीं माना जाता है, यह एक सामान्य कंडीशन है। जहाँ तक इसमें लक्षणों की बात है तो कोई विशेष लक्षण इसमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसको बेसिकली कोई डिजीज़ नहीं माना जाता है और इसमें कोई खास लक्षण नहीं मिलते। लेकिन कभी कभी किसी किसी पर्सन को कुछ जी मिचलाने जैसी कंडीशन या कई बार हल्का सा पेट में दर्द या कुछ अनएक्सप्लेन्ड कुछ थकावट जैसे होना, इस तरीके के कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हैं जो कोई पर्टिकुलर डिजीज़ से संबंधित नहीं हैं, वो लक्षण यहाँ पे मिल जाया करते हैं। तो अब बात ये आती है कि यदि किसी रोगी को बिलीरुबिन निरंतर रूप से बढ़ा हुआ आ रहा है तो हमें क्या क्या उसमें इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए ताकि ये रूल आउट किया जा सके कि ये गिल्बर्ट सिंड्रोम ही है। दो तीन चीज़ें जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं जिसमें हमको देखना पड़ेगा, जैसे जो अल्कोहलिक्स होते हैं, अल्कोहलिक्स में भी ये कंडीशन बिलीरुबिन बढ़ने की मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे जो एंजाइम्स हैं यानी कि जो अल्कोहलिक इंजरी है लीवर सेल्स को, उसके कारण से जो लीवर के एंजाइम्स हैं पर्टिकुलरली GGTP और साथ साथ में जो AST और ALT है वो भी बढ़े हुए मिलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो सामान्य नहीं है। लेकिन यदि केवल बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है और उसके लीवर के एंजाइम बिल्कुल नॉर्मल हैं, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी जैसी कोई कंडीशन नहीं है, और इसके अलावा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस या और भी जो हैं वो नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको गिल्बर्ट सिंड्रोम की ही समस्या है। और ये बात बिल्कुल सही है कि गिल्बर्ट सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है। यदि किसी रोगी को इस तरीके की समस्या होती है तो उसको अनावश्यक बहुत सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने का आवश्यकता नहीं है, और गिल्बर्ट सिंड्रोम के साथ लगभग लगभग पूरे जीवन हम सामान्य तरीके से रह सकते हैं, और इसमें कोई और बॉडी में किसी तरीके की समस्या यूजुअली नहीं होती है। तो बिलीरुबिन बढ़ने से और एक लंबे समय तक बढ़े रहने से और बीच में कम या ज़्यादा कंडीशन होने से कोई इतना समस्या की बात नहीं है।
साथ साथ में दो चार जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं, यदि लीवर के एंजाइम्स की कंडीशन सही है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जैसी कंडीशन नहीं है, तो यह एक सामान्य सी ही बात है। इसमें किसी प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और यह बीमारी भी यूजुअली नहीं है। थैंक यू वेरी मच।